जैसा कि थंबनेल को देख करके आप जान चुके हैं कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो ग्रीष्मकालीन दशहरा दीपावली और शीतकालीन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मी के अवकाश कब से कब तक रहेंगे बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए, दशहरा का अवकाश कब से कब तक रहेगा, दीपावली का अवकाश कब से कब तक रहेगा और शीतकाल का अवकाश कब से कब तक रहेगा, इस वीडियो में इसी के बारे में बताया गया है। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल आदेश भोपाल दिनांक 4 मार्च 2020 क्रमांक यहां पर दिया हुआ है। राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु निम्नानुसार अवकाश घोषित करता है। इधर दिया हुआ है अवकाश का प्रकार, दूसरे कॉलम में है समयावधि और तीसरे कॉलम में है रिमार्क। ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा 1 मई 2020 से 16 जून 2020 तक विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए अवकाश ग्रीष्मकालीन रहेगा 1 मई 2020 से 9 जून 2020 तक। ये केवल शिक्षकों के लिए है और विद्यार्थियों के लिए 16 जून 2020 तक छुट्टी रहेगी। अगला है दशहरा अवकाश 24 अक्टूबर 2020 से 27 अक्टूबर 2020 तक विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए। अगला अवकाश है दीपावली अवकाश 12 नवंबर 2020 से 17 नवंबर 2020 तक विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए। अगला अवकाश है शीतकालीन अवकाश जो कि 25 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक रहेगा, ये विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए है। तो ये ग्रीष्मकालीन अवकाश, दशहरा अवकाश और दीपावली अवकाश साथ में शीतकालीन अवकाश घोषित हैं, यानी कि सत्र 2020-21 में इतने अवकाश अभी तक घोषित हो चुके हैं। नीचे दिया हुआ है दिनांक 10 जून से 15 जून 2020 के दौरान शिक्षक स्कूलों की स्वच्छता योजना, प्रयोगशालाओं की तैयारियां, माहवार शिक्षण, शैक्षणिकतर गतिविधियों के आयोजन की समय सारणी, लेसन प्लान, पालक शिक्षक संघ से अधिकाधिक नामांकन तथा ठहराव दर के लिए भेंट बैठकें, फीडिंग, मिडिल स्कूल से कक्षा 9 में प्रवेश के लिए संपर्क, ब्रिज कोर्स तथा रिमेडियल टीचिंग इत्यादि गतिविधियां संचालित करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल। यहाँ पर आप प्रतिलिपि में देख सकते हैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मंत्रालय भोपाल, प्रमुख सचिव समन्वय मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल, निजी सचिव मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल, आयुक्त लोक शिक्षण आदिवासी विकास मध्य प्रदेश भोपाल, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश, राज्य मुक्त शिक्षा परिषद मध्य प्रदेश भोपाल, निदेशक महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्य प्रदेश भोपाल, समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश, समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी जिला परियोजना समन्वयक मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ऑर्डर बुक। यहाँ पर उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये अवकाश घोषित किया गया है जो कि सत्र 2020-21 हेतु है। इसमें 4 प्रकार के अवकाश हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश, दशहरा अवकाश, दीपावली अवकाश और शीतकालीन अवकाश हैं जो कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।